मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 नंबर को लकी नंबर मानते हैं और यह पहले से सबको पता है क्योंकि जिस गाड़ी पर चढ़ते हैं उसका नंबर भी 7 ही है और 7 नंबर बंगला को लेकर भी हमेशा चर्चा बनी रहती है और हम 7 नंबर बंगला के पास ही खड़े हैं। ये वही बंगला है, 7 सर्कुलर रोड पटना का बंगला है जो नीतीश कुमार के कारण हमेशा चर्चा में बना रहता है। जीतन राम मांझी को जब मुख्यमंत्री बनाए थे 2014 में, जब लोकसभा के चुनाव में जदयू का खराब प्रदर्शन हुआ उसके बाद, तो फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी इसी बंगला में रहते हुए उन्हें मिली थी और 2015 के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता था इसी बंगला में रहते हुए, फिर से मुख्यमंत्री बने। तो 7 नंबर बंगला नीतीश कुमार के लिए विशेष माना जाता है और लकी नंबर भी। जो ज्योतिषाचार्य हैं वो भी कहते हैं कि 7 नंबर का कनेक्शन नीतीश कुमार के साथ अच्छा रिजल्ट देता है और इसीलिए नीतीश कुमार 7 नंबर को पसंद करते हैं। बंगला को लेकर आरजेडी की तरफ से पहले भी निशाना साधा जाता रहा है और एक बार फिर से पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक तंज कस रहे हैं, तो वहीं जदयू और बीजेपी के नेता खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। देखिए, उनकी आदत है सफाई फाई करवा के रहने का, तो वहाँ बहुत दिन रह गए तो 7 सर्कुलर तो पहले से अलॉटमेंट कराए हुए थे, तो वहाँ अपना गए कि एक अन्य मार्ग में सफाई हो जाए, जो वहाँ पर है गंदगी उन सबको वहाँ से निकाला जाए, इसलिए वो जा रहे हैं। और उसके साथ साथ एक और कारण है कि जो घोटाला होता है वहाँ निर्माण के कार्य में, घोटाला बार बार निर्माण होगा, टूटेगा, इस घोटालों में जो लोग हैं उनके समर्थक, उनके प्रशंसक, उन लोग को लाभ देने की दृष्टि से ये सब करा रहे हैं। और कोई देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस बंगले में अभी रह रहे हैं कन्या मार्ग में, वो मरम्मत कार्य कराना है जैसा सुनने में आ रहा है, इसलिए वो वहाँ जा रहे हैं। इसलिए उसमें भूकंपरोधी लगवाना है, भूकंपरोधी मकान नहीं है, तो हर एक सुरक्षा मानकों के दृष्टि से उसको ठीक कराने के लिए वहाँ पर वो जा रहे हैं। जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे। लकी नंबर भी कहा जाता है ये, अब ये तो वो बताएंगे कि उनका क्या लकी है, हम कैसे बताएं। गाड़ी भी साथ रखते हैं, बंगला भी रखना चाहते हैं, हो सकता है, हो सकता है, हम उस पर कुछ बता नहीं सकते हैं क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है उसके बारे में। नीतीश कुमार के लिए 7 अंक कितना भाग्यशाली है, यही प्रश्न है। मैं बता दूं कि नीतीश कुमार की कुंडली में 7 अंक के जो स्वामी होते हैं वह शुक्र होते हैं और इनके कुंडली में शुक्र उच्च के हैं और 10वें स्थान में है और शुक्र के कारण ही यह सत्ता में है और इतनी बार मुख्यमंत्री बने और एक छोटे से गांव से निकलकर देश दुनिया में इतना बड़ा यह नाम लिए और नाम कमाए। इनका जो अगर गाड़ी की बात की जाए तो गाड़ी का नंबर भी 7 ही आता है, इनके बंगलों का अगर देखा जाए तो नंबर 7 ही आता है। लिखा है शुक्रम सुखम, दुनिया में सुख सुविधा के लिए 7 अंक जो है सबसे सुखद और सुंदर होता है। यही कारण है कि हमेशा नीतीश कुमार 7 अंक स्वीकार करते हैं, 7 अंक को पसंद करते हैं और 7 अंक के इर्द गिर्द में रहते हैं। ये कोई भी काम करें तो यह 7 अंक को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आप देखेंगे इनके बंगले का जो अंक है वह 7 अंक है, इनके गाड़ी का भी जो अंक है वह 7 अंक है। तो आपको बताना चाहेंगे कि शुक्र चुकी कलर में भी जो है वह रंग बिरंगा है, कलरफुल है, रंगीन मिजाज का है और कलर में भी बिल्कुल यह व्हाइट कलर और क्रीम कलर पसंद करता है। तो आप देखेंगे कि गाड़ियां हो, घर हो, वस्त्र हो, नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से सफेद ज्यादा पसंद करते हैं, तो शुक्र ग्रह इनके ऊपर मेहरबान है। इसी से या कहीं भी और कहीं भी जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो 7 अंक निश्चित रूप से यह खोजते हैं और वह अपना स्वीकार करके उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। बिहार में नेताओं का बंगला मोह किसी से छिपा नहीं है। 5 देशरत्न मार्ग का बंगला भी एक समय खूब चर्चा में रहा जब इसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के तौर पर रहते थे और सरकार गिरने के बाद भी बंगला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मामला कोर्ट में गया उसके बाद उन्हें छोड़ना पड़ा। तो कुछ बंगला अपशकुन भी होता है, जैसे मुकेश सहनी इस बंगला में रह रहे हैं, उसमें कोई भी मंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ बंगला लकी भी है
और उसी में सात सर्कुलर रोड का बंगला शामिल है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रह चुके हैं और फिर से रहने आ रहे हैं। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।